हत्याकांड पर संग्राम। राजस्थान में हुई दिल दहला देने वाली हत्याकांड पर संग्राम जारी है। जी हां, राजस्थान के करौली में दबंगों ने एक पुजारी को जिंदा जला डाला। दबंगों ने पुजारी के ऊपर पहले पेट्रोल छिड़का, फिर आग लगा दी। जयपुर के सवाई माधो सिंह अस्पताल में पुजारी ने तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया और इसके बाद राजस्थान की सियासत में गर्माहट भी आ गई। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। परिवार ने पुजारी के अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है। परिवार का कहना है कि उन्हें जमीन का आवंटन किया जाए, जो जमीन है वो दी जाए और इसके साथ ही उनके एक बच्चे को नौकरी भी दी जाए। ये एक मांग की जा रही है परिवार की, इसलिए पुजारी का अंतिम संस्कार नहीं किया जा रहा। लेकिन सियासतदानों को देखिए, इस मांग को पूरा करने में भी इन लोगों के पसीने छूट रहे हैं। अब सियासत लगातार जारी है। विपक्ष पूरी तरह से राजस्थान सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है और यह कहता नजर आ रहा है कि ये दोहरा चरित्र क्यों, क्योंकि जब आप उत्तर प्रदेश में कोई घटना होती है, हाथरस की घटना में जब आपका शीर्ष नेतृत्व वहां पहुंचता है, हर संभव मदद की बात करता है, फिर यहां पुजारी हत्याकांड पर चुप्पी क्यों? दबंगों ने पुजारी को जिंदा जला दिया, तो न्याय की गुहार लगा रहा है परिवार। ये बड़ी खबर। पीड़ित परिवार ने पुजारी के अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया है। सियासत लगातार जारी है, तमाम लोग वहां पहुंच रहे हैं। विपक्षी पार्टियों ने, आपको बता दें कि उस ओर अब मूवमेंट शुरू कर दिया है। ऐसे में परिवार ने अंतिम संस्कार से इनकार किया और शव को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो राजस्थान में हत्याकांड पर बवाल जारी है। दो मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ दिलीप अग्रवाल हैं, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। साथ ही हमारे साथ हैं पंकज जोशी, भारतीय जनता पार्टी से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद जी। दिलीप अग्रवाल जी, सबसे पहले आप ही से, सरकार हैं आप, आखिर क्यों इस तरह की हिलाहवाली हो रही है कि राजस्थान सरकार पर विपक्ष चौतरफा हमला कर रहा है, परिवार ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया? पहले तो ये घटना ही अपने आप में इतनी बड़ी घटना, इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम, जिंदा जला दिया जाता है एक साधु को। जिस प्रकार से पुजारी जी को जिंदा जलाया गया है, उसके लिए हम भी यही देख रहे हैं कि ये कर्तव्य जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ सरकार ने सख्त एक्शन लेने का, और मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कह दिया कि जो भी लोग इस घटना में शामिल है उनको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। इसमें एक आरोपी को सरकार की तरफ से गिरफ्तार भी किया गया है। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन भी लगातार धरपकड़ जारी कर रखा है और वो लोग अपनी जगह अपना काम कर रहे हैं, गिरफ्तारी भी की जा रही है और सरकार की तरफ से यही कहा गया है कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जाएगी। दिलीप जी, सवाल यही जब उठ जाते हैं कि जब ऐसी सिस्टम में जब लगातार हिला हवाली देखने को मिलती है, और आखिर क्यों खाकी का इकबाल कायम नहीं हो पा रहा, ऐसे कैसे हिमाकत हो गई अपराधियों की, एक साधु को जिंदा जला दिया, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया उसने, क्योंकि शासन प्रशासन की लचर व्यवस्था के कारण इन लोगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, दबंगों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। जमीन का एक मसला था, उस पुजारी को हर बार परेशान किया जा रहा था, लेकिन तब कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई उन दबंगों पर। जिस प्रकार से ये घटना हुई है, उस घटना की पूरी फीडबैक मुख्यमंत्री महोदय खुद अपने पास ले रहे हैं और उनके ऊपर पूरा नजर बनाए रखे हैं। घटना की बात ये है कि जो पुलिस शासन कानून व्यवस्था पुलिस बनाती है, पुलिस को पूरी तरह से मुस्तैद कर रखा है, अधिकारियों को सख्त कार्रवाई दिख रही है। मुस्तैदी अग्रवाल साहब, दिख रही है मुस्तैदी, पुलिस की मुस्तैदी किस तरह की? अगर मुस्तैदी होती तो शायद साधु को इस कदर बेरहमी से नहीं मारा जाता, मुस्तैदी होती तो शायद 12 में बेटी के साथ दरिंदगी नहीं होती, मुस्तैदी नहीं दिख रही। आप ये चीज भी देखो ना कि आरोपी को भी तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया, जो बाबूलाल वैष्णव पुजारी जी थे उनके साथ जिन लोगों ने भी कर्तव्य किया है उस कर्तव्य के लिए सरकार ने तुरंत आदेश देकर। मैं पंकज जोशी जी के पास जाऊं, दिलीप अग्रवाल जी एक सवाल और, यही घटना जब हाथरस में एक घटना घटती है, एक बच्ची के साथ दरिंदगी होती है, उसमें भी पुलिस कहती है कि आरोपियों को तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, सरकार को बर्खास्त करिए, राष्ट्रपति शासन लागू करिए। तो यूपी की घटना की इस घटना से तुलना नहीं कर सकते ना, यूपी की घटना में तो प्रशासन खुद इन्वॉल्व होता, हमारी राजस्थान के अंदर जो घटना हुई है क्या उसके अंदर प्रशासन इन्वॉल्व है क्या? पंकज जोशी जी, काम किया है पंकज जोशी जी,
आपके आपके कार्यकाल में या आपके शासन में प्रशासन में ये चीजें हो तो बहुत बुरा, और हमारे यहाँ हो तो बस मामूली सी घटना हो गई भाई। नहीं देखिए, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल निकृष्ट और बेशर्मी का बयान है। आप देखिए लगातार पिछले, यदि पिछले बार से आप देखे हैं तो बारा का रैप कांड हो, जोधपुर का रैप कांड हो, सिरोही का रैप कांड हो, अलवर का रैप कांड हो, भरतपुर का रैप कांड हो, मैं कह रहा हूँ कितने कांड चाहिए। और उसके बाद आप लगातार देखिए कि जिस तरीके से जघन्य अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कि पूर्व मोहम्मद वाला कांड कब हुआ था, और ये पहली बार राजस्थान में दूसरी घटना है जब जिंदा जला दिया गया हो किसी व्यक्ति को। ऐसी घटना राजस्थान के इतिहास में नहीं है। और दूसरी घटना है, जो दूसरी घटना इसी कांग्रेस राज में है कि जब जिंदा जला दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम जो इसको प्रशासन कर रहे हैं। मुझे बताइए कौन सा मंत्री जो है वहां पर गया, वहां के जो मंत्री थे कौन से जाकर के उन्होंने कहा कि ये है। और वो जो व्यक्ति था, पुजारी परिवार था, वो लगातार 5 दिन से पुलिस के चक्कर काट रहा था, लेकिन थाने जो है इन्होंने जो है थानों को और पुलिस महकमे को बेच के रख रखा है। ये पूरे बिकी हुई पुलिस जो है ये काम कर रही है। आप खुद देखें कि पुलिस के ऊपर जितने दबाव है और जिस तरीके के हालात है, डीजीपी तक ने जो है वहां से जो है वीआरएस मांग लिया। मुझे बताइए वीआरएस क्यों मांग रहा है, जवाब दे सरकार। दिलीप अग्रवाल जवाब दीजिए। दिलीप अग्रवाल, नहीं जिस प्रकार से ये बोल रहे हैं ना, ये बात बिल्कुल सटीक नहीं बैठती है। मैंने ये एक चीज तो ये नहीं बोली है कि मामूली घटना है। घटना हम संज्ञान में ले लिया सरकार ने, पूरी तरह से सरकार इस घटना के ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई करवा रही है। जो उचित कार्रवाई और सख्त कार्रवाई जो हो रही है उसके लिए सरकार बोल रखी है। सरकार ने कह दिया है, मुख्यमंत्री ने खुद ने कह दिया। ये लोग ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, सरकार ने बोला ही नहीं। मंत्री की बात वहां पहुंचने की आ रही है, तो हमारे जो कलेक्टर वहां पीड़ित परिवार की जो मांग है, दिलीप अग्रवाल, पीड़ित परिवार की जो मांग है उस पर अमल हुआ? अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया है पीड़ित परिवार ने, पुजारी का शव रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस प्रकार से ये लोग राजनीति कर रहे हैं ना, वो राजनीति नहीं चलने वाली इन लोगों की, क्योंकि पीड़ित परिवार की तो मांग सुनेंगे ना आप। पीड़ित परिवार की मांग सरकार ने संज्ञान में लिया है, पीड़ित परिवार की मांग के ऊपर भी विचार कर रहे हैं। ऐसे थोड़े ना है कि पीड़ित संज्ञान में लिया है। गजब बात कर रहे हैं दिलीप अग्रवाल, संज्ञान में लिया है, विचार हो रहा है, बैठकें चल रही है उस मामले पर। ऐसा क्या मांग लिया माई बाप, क्या मांग लिया पीड़ित परिवार ने आपसे? मांगने की कोई बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने जिस प्रकार से राजनीति निर्मम तरीके से हत्या हो जाती है, पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी जाती है, और आप कह रहे हैं बैठक चल रही है, संज्ञान लिया है। अब आप तो ऐसे मन में आए जैसे जोशी जी की लैंग्वेज बोलने लगे। दिलीप अग्रवाल, इसलिए कह रहा हूं, ये साधुओं की हत्या पर आखिर इतनी लापरवाहियां क्यों? मुंबई महाराष्ट्र में आपकी सरकार है गठबंधन से, वहां पर जो पालघर में हुआ साधुओं की हत्याकांड में अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए। राजस्थान में एक और इस घटना को चरितार्थ कर दिया इस कांड ने। पंकज जोशी जी, अगर सवाल पूछ लिया जाए तो यह कह दिया जाता है अरे आप तो विपक्ष की भाषा बोल रहे, गजब हाल है। विपक्ष की नहीं, मैं आपको फिर बताना चाहता हूं। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुआ व्यक्ति जो आईएएस ऑफिसर है और जो जिसको डीजीपी बनाने जा रही है सरकार, उनके दोनों के रिश्तेदार, क्या जयपुर शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी मंदिर माफी की जमीन पे चलती है कि नहीं चलती? दिलीप अग्रवाल जवाब दे इसका। नहीं, वो ये सारे पहलू और ये सारे मसले तो आप विधानसभा में भी उठा सकते हैं जोशी जी। मैं तो आज इस पीड़ित परिवार की जो उम्मीदें हैं उनको लेकर आया कि भाई क्यों आखिर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। पुजारी की मौत हो जाती है अस्पताल में, उसके शव को रखकर प्रदर्शन हो रहा है। सर सरकार के आदमी पुलिस के आदमी पास नहीं जाएगा, कहां जाएगा आदमी? दिलीप अग्रवाल, मैं पंकज जोशी को भी रोकूंगा, वो अगर इधर उधर की चीजों पर जाएंगे, मैं कहूंगा कि भैया इन सब सारे मामलों को आप सदन का घेराव करिए, विधानसभा में भी उठाइए। आज तो इस मसले को लेके आया पुजारी की हत्या पर, ये सियासत क्यों और आखिर क्यों लापरवाहियां होती हैं? तत्काल प्रभाव आपका नेतृत्व दिलीप अग्रवाल जी, इसलिए भी मैं आपको इन बातों को लगातार कह रहा हूं क्योंकि आपका जो नेतृत्व है, आपके शीर्ष नेता जो दिल्ली में बैठे हैं, जो जयपुर में बैठे हैं, वो लगातार कहते हैं हम तो बहुत गंभीर हैं, छोटी से छोटी घटना का तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर समाधान करते हैं। ये प्रवचन बंद करिए। नहीं, हमारी जो मुख्यमंत्री महोदय गहलोत साहब हैं वो लगे हुए हैं उस मामले के ऊपर। हम आपको जो चीज बताना चाह रहे हैं कम से कम आप उस चीज की तरफ भी ध्यान दीजिए ना। कल परसों सीकर के अंदर एक घटना हुई, बैंक लूटने की कोशिश की गई, यहाँ पे पुलिस का मात्र महज 7 मिनट में पहुंच जाना, ये क्या दर्शाता है कि पुलिस क्यों लूटी बैंक? दिलीप अग्रवाल, इस बात का जवाब दीजिए जरा।
मैं बार बार कह रहा हूं कि मैं इस घटना पर आज इस चर्चा को लेकर आया, आप कह रहे हैं बैंक लुट गई। कोई भी सरकार आई, ये काम नहीं कि भाई हम हमारी या क्या बीजेपी की सरकार आ जाएगी बस, तो फिर यही बात होनी चाहिए ना दिलीप अग्रवाल, यही बात होनी चाहिए। मैं तो आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे इस घटना पर जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो सवाल कर रहा हूं, उनके जवाब दे दीजिए। आप मत बताइए कि बैंक में चोरी हुई, हमने तत्काल प्रभाव से पता था, हमने सीसीटीवी कैमरे की तरह कैप्चर कर लिया, हम इतने मुस्तैद हैं, ये मत बताइए। आप बने रहिएगा, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, जल्द लौटूंगा। यहाँ तो हत्याकांड पर संग्राम जारी है, क्योंकि पीड़ित परिवार ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया है कि हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगों को माना नहीं जाता, और मांग भी ऐसी तो शायद संवेदनाओं को हिला दें, कुछ चंद रुपए और ज़मीन की बात, क्योंकि गरीब परिवार है वो, पुजारी था मंदिर का, उसे तड़पा तड़पा कर दरिंदों ने मार डाला। सरकार संवेदनहीन बनी बैठी है, क्योंकि संवेदनशीलता होती तो शायद बैठकों का दौर नहीं चलता, सरकार पहुंचती और सीधे तौर पर यह कहती कि इस घटना पर तत्काल प्रभाव से जो कार्रवाई हमने की है, आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन पीड़ित परिवार के साथ हम हर मुमकिन खड़े हैं, हर तरह की कोशिशें की जा रही हैं, किसी को मांगने से अगर मिले तो ऐसा मिलना भी क्या, आपको आगे बढ़कर पहले कदम उठाने चाहिए थे। दिलीप अग्रवाल जी, आप पहले आगे आते और आगे आके आप ये कहते कि आप मांग क्यों रहे हैं, हम तो अब बहुत सारी चीजें करेंगे आपके लिए जो शायद आपने सोचा नहीं होगा, लेकिन आज पीड़ित परिवार को शव को रखकर मांगना पड़ रहा है। देखो ये शव को रखकर जो मांगना पड़ रहा है, ये सारा पॉलिटिकल जो इन लोगों ने ड्रामा बनाया है, क्यों मौका दिया आपने, ये गलत है। बाकी मांगने की बात ये है, पीड़ित परिवार तो पता नहीं क्या क्या मांग लेता है, लेकिन उसकी मांगे जायज जो मांगे हैं वो गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार है, गवर्नमेंट माने भी। पीड़ित परिवार वो नहीं मांगता जो आप लोग जाते हैं और मांगते हैं वोट, उस वोट की महत्ता उस वोटर को नहीं पता होती जिसकी ग्रेविटी आप समझते हैं। आप कह रहे हैं क्या क्या मांग लेता है पंकज जोशी जी, बात है जिस प्रकार से पंकज जोशी जी जी दिलीप अग्रवाल जी की शालीनता को समझ रहे होंगे, आप कह रहे हैं पीड़ित परिवार तो क्या क्या मांग लेता है भाई। मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल देखिए मैं चाहता हूँ पॉलिटिकल इशू है, पॉलिटिकल के रूप में जो किया गया है वो सारा, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यदि मेरे घर में से कोई व्यक्ति जाता ना तो पता चलता कि कैसे जाता है। मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए गरीब आदमी के पास क्या सहारा होता है, मुझे बताइए गरीब आदमी का सहारा क्या है, कि किस चीज से सहारा चलता है, जो एक पूजा करके अपना सहारा चलाता है उसके बेशर्मे की बात कह रहे हैं कि वो क्या क्या मांग लेता है, मतलब कैसी स्थिति है ये, मतलब आप ये कह रहे हैं पता नहीं पीड़ित परिवार तो क्या क्या मांग लेता है। इसीलिए बैठकों का दौर चल रहा है जयपुर में, सरकार ने कुछ नहीं मांगा जनता से, सरकार कैसे आई जनता के लिए, आपने कहा कि हम शासन देंगे, हम स्वच्छ प्रशासन देंगे, हम जनता की सेवा करेंगे, और आप कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार क्या क्या मांग लेता है। मैं कह रहा हूँ ये बेशर्मी के जो है बयान जो है ये कम से कम बंद किए जाने चाहिए, एक तरफ आप मीडिया का बहिष्कार करते हैं और एक तरफ जब आते हैं तो इस तरीके के जो है बयान देते हैं। दिलीप अग्रवाल जी, मूलभूत सुविधाएं देने का वादा करते हैं और उसी मूलभूत सुविधाओं के वादों पर आपको वोट भर के दे देता है, झोली भरकर मतदाता मत दे देता है, आप सिंहासन पर बैठ जाते हैं। मूलभूत सुविधाओं में क्या, सड़क बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार, ये भी तो नहीं मिलता हुजूर, आजादी के इतने साल बाद आज भी लोग तरस रहे हैं मूलभूत सुविधाओं के लिए, आप कह रहे हैं कि क्या क्या मांग लेता है। जिस प्रकार से सरकार दे रही है, सरकार अपनी जगह काम कर रही है, सरकार क्या गलत काम कर रही है, ये लोग इस चीज को पॉलिटिकल जो इश्यू बना रहे हैं, इसको बनाना ये गलत है या सही है, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, इनको कम से कम ये तो पूछो आप कि ये जो पॉलिटिकल इश्यू है, मैंने इस पर राजनीति, मेरे दिलीप अग्रवाल जी मेरे कार्यक्रम का नाम ही है हत्याकांड पर संग्राम, मैंने सियासत नहीं लिखा, मैंने संग्राम लिखा, पीड़ित परिवार बैठा है सबको लेकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए,
नहीं, पीड़ित परिवार अपनी मांग को मानने के लिए है तो वो पॉलिटिकल जो ड्रामा बनाया गया है उस हिसाब से तो पीड़ित परिवार को न्याय के लिए मुख्यमंत्री साहब ने खुद ने कह दिया पीड़ित परिवार को पूरी तरीके से न्याय मिलेगा, सख्त कार्रवाई होगी दोषियों के खिलाफ, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? क्या इन लोगों ने कहा कभी भरपाई हो जाएगी? पंकज जोशी जी, सरकार ने कह दिया भाई सख्त कार्रवाई हो जाएगी और इससे ज्यादा क्या करे सरकार? देखिए मैं कह रहा हूँ आपको, सरकार ने कुछ नहीं कहा, मैं आपको कुछ नहीं, इनके राज में, उनके राज में नहीं। दिलीप अग्रवाल, दिलीप जी सुनिए, दिलीप जी सुन जाइए। देखिए मैं कह रहा हूँ, सरकार पे एक संकट आता है ना, तब तो एक महीने तक जो है सब कुछ भूल के जो है वो कहते हैं कि हमें अभी के अभी चाहिए, सब कुछ ही चाहिए, और लगातार जो है जनता को जो है उन्होंने छोड़ दिया। और आज जब एक पीड़ित परिवार हुआ तब जो है माननीय मुख्यमंत्री जी तो क्वारंटाइन है एक महीने के लिए, और गृहमंत्री भी वही है। अब मुझे बताइए कौन मांग मांग रहा है, किसने जाके बात करी है? दिलीप जी बताइए किसने मांग मानी है और किसने बात करी है? दिलीप अग्रवाल बताइए, नाम बताइए। कहां चिंतन हो रहा है भाई, कहां पर बैठक चल रही है पीड़ित परिवार की मांगों पर? नहीं देखो, जिस हिसाब से ये लोग इस वातावरण को तैयार कर रहे हैं ना, वो वातावरण कतई इन लोगों की मंशा पूरी नहीं होगी। मौका क्यों दे रहे हैं दिलीप अग्रवाल, मैं बार बार कह रहा हूँ, मौका क्यों दे रहे हैं ये लोग? चाहे कितनी भी, देखो हम कोई मौका नहीं दे रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से ये घटना हुई है, ममता बनर्जी मौका दे रही है क्या यहाँ राजस्थान में अकेले? उसका उसका काम उसकी कार्रवाई करने का नहीं, यहाँ टीएमसी दे रही है क्या मौका, ये बताइए? या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दे रही है? राजस्थान में तो आप ही की सरकार है ना मालिक? सरकार हमारी है, मना थोड़ी ना कर रहे हैं, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आप मौका क्यों दे रहे हैं विपक्ष को? नहीं, मौका विपक्ष को तो एक बात बताऊं, ये तो इनके सरकार में भी ये तो है नहीं, क्राइम रुका है, क्राइम तो हर सरकार में होता है, लेकिन कार्रवाई किस हिसाब से होती है सबसे मेन पॉइंट ये होता है। ये लोग जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, कार्रवाई इन लोगों की सरकार में इतनी त्वरित नहीं हुई जितनी राजस्थान गहलोत सरकार कर रही है। दिलीप अग्रवाल, मैं ताउम्र भूल ये करता रहा, धूल चेहरे पर थी आईने साफ करता रहा। क्यों आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्यों आप ये कह रहे हैं इनकी सरकार में, इनकी सरकार में? अरे मालिक, आपकी सरकार है, उनकी सरकार में ये हुआ तो विपक्ष में बिठा दिया जनता ने उनको, अब आप ये दुहाई मत दीजिए। तो हम सर, हम हमारी सरकार जो है वो इस कार्रवाई के लिए बिल्कुल तैयार है, सख्त आदेश दे दिए। मांगे क्यों नहीं मानी जा रही पीड़ित परिवार की, ये बता दीजिए। पीड़ित परिवार की मांगे, पीड़ित परिवार ने जिस हिसाब से मांगे रखा है वो मांगे मानना। जयपुर का राज पैलेस मांग लिया क्या, क्या मांग लिया ऐसा? अभी सियासी लाभ लेने के लिए व्यवस्थाएं होती तो दिलीप अग्रवाल की पार्टी सबसे पहले आगे जाती और कहती कि करोड़ों करोड़ के खजाने खोल दीजिए इनके लिए। नहीं नहीं, हमारी, हमने कभी झूठे वादे जनता के साथ किए नहीं, हमने जो वादे जनता के साथ किए हैं वो वादे उतर पंकज जोशी करने के लिए हम तैयार हैं जी, और हम हमने पूरे भी करे हैं। सुन भी रहे हैं आप, समझ भी रहे हैं? बिल्कुल देखिए भाई, सीधे तौर पर यहां तो ऐसा लग रहा है कि वो चादर ओढ़ कर रखी है दिलीप अग्रवाल जी की पार्टी ने और दिलीप अग्रवाल जी ने कि भाई अब कुछ भी होता रहे, बोले हम तो सो रहे हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ ना, बिल्कुल सरकार ने जो है बिल्कुल जो है निकृष्टता और निकम्मापन जो है धारण कर रखा है। आप लगातार देखिए, मैं कह रहा हूँ इसी घटना को नहीं, लगातार इस घटना को यदि चाहते हैं तो कल जब पोस्टमार्टम हुआ था और पोस्टमार्टम होने के बाद आप देखिए वो लोग यहाँ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो वादे यहाँ पर किए आप देखिए वहां जाते ही उन्होंने खत्म कर दिए इन चीजों को। और मुझे बताइए कि चलो आपने जो है वहां पर आप मुआवजा मांगते हैं हाथरस में, और यहाँ आपके जो है केंद्रीय नेता तो ये नहीं कहता कि भाई जाकर के इनको कि भाई इनको मुआवजा दीजिए, और कहाँ गए वो जनेऊधारी आदमी साहब? वो जनेऊधारी वाले कहाँ गए बताइए ना, जनेऊधारी कहाँ गए? दिलीप अग्रवाल, जनेऊधारी आ गया जी, जवाब दीजिए भाई, आपको आवश्यकता पड़ी जो है फटे को जवाब दीजिए। जब सियासी समर आती है दिखाई नहीं दे रही आपको तो मंदिर मंदिर पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। सियासी समर आती है, हाथरस की घटना की सियासी समर आती है तो ऐसा लगता है जैसे लोग धर्म परिवर्तन ना कर ले राजनेता। मेरी मेरी बात सुनो आप, जिस हिसाब से ये हाथरस की घटना का जो हवाला दे रहे हैं ना, हाथरस की घटना के अंदर इनका प्रशासन खुद इन्वॉल्व था उस घटना के अंदर, जबकि इस घटना में हमारा कोई प्रशासन इन्वॉल्व नहीं है। हमारा प्रशासन बल्कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। दूसरी बात, इन लोगों ने हाथरस की घटना के अंदर जो तांडव किया है, पूरी मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया, किसी नेता को अंदर नहीं जाने दिया, वहां लाठीचार्ज करवाया है। वो बहुत सारे सवाल हो गए सरकार को, कटघरे में खड़ा कर लिया दिलीप अग्रवाल, लगातार हम सवाल पूछते रहे पंकज जोशी से, हमने पंकज जोशी से उसी गर्माहट में सवाल पूछे, उसी उत्तेजना में सवाल पूछे जो हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं राजस्थान का जिक्र कर रहा हूँ, राजस्थान में पुजारी के परिवार की मांग पर अमल क्यों नहीं? एक मिनट सर, मेरी एक बात सुनिए आप, जिस हिसाब से इन लोगों ने हाथरस की घटना के अंदर जो तांडव मचाया लाठीचार्ज किया, हमारी सरकार ने ऐसा नहीं किया, हमारी सरकार ने खुला दे रखा है
कोई भी जाए वहाँ कुछ भी कर रहा है, कोई भी जाए हम नहीं जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, कोई भी जाए हम नहीं जाएंगे। बोले हमारा प्रशासन वहाँ मुस्तैद है, हमारा प्रशासन काम कर रहा है वहाँ पे, उनकी मांगे भी ले रहा है, उनके ऊपर विचार करने के लिए प्रपोजल भी दे रहा है, हम सब चीजों पे सहमत है ना। अरे भाई चार आदमी गए नहीं करे भाई, वो आपके हैं क्या? लेकिन इन लोगों की तरह हमने लाठीचार्ज तो नहीं करवाया ना वहाँ पे, पीड़ित परिवार से कोई मिलने जा रहा है? दिलीप अग्रवाल कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं? दिलीप अग्रवाल सरकार का पक्ष रखते हैं आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं। आप लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, अब इस तरह की जब बातें करते हैं तो बड़ी ही हास्यास्पद लगती है, बचकानी बातें हैं कि हमने लाठीचार्ज नहीं करवाया, हमने ये नहीं किया। ऐसे हालात बने क्या दिलीप अग्रवाल? हाथरस जैसे हालात बने क्या? लेकिन बनने के लिए आप मजबूर कर देंगे पार्टियों को, राजनेताओं को, संगठनों को, तमाम हिंदूवादी संगठनों के अंदर आग उगल रही है। वो कह रहे हैं आखिर क्यों पुजारी को जिंदा जला दिया गया? देखो जवाब नहीं होगा दिलीप अग्रवाल, जवाब नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, पुजारी जी के साथ जो घटना हुई है उसकी हमारी सरकार भी मतलब की पूरी तरीके से सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे दिया है। इनकी सरकार ने तो वो भी काम नहीं किया था, इनकी सरकार तो फिर भी पीछे रहती है, हमारी सरकार आगे है। आपकी सरकार आगे है मालिक, आप काम कर रहे हैं, सारी व्यवस्थाएं ठीक। मैं कह रहा हूं पीड़ित परिवार शव रखकर प्रदर्शन कर रहा है, अंतिम संस्कार से इनकार कर दिया है, मांगे क्यों नहीं मानी जा रही? आप कह रहे हैं बीजेपी, आप कह रहे हैं इनकी सरकार नहीं, जिस हिसाब से इन लोगों ने 50 लाख का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, सारी गवर्नमेंट फैसिलिटीज जो है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज तो वैसे भी सरकार सबको दे रही है, जो पात्र आता है वो आदमी लेता है, उसमें क्या दिक्कत है? ये लोग 50 लाख का मुआवजा मांग रहे हैं, एक गवर्नमेंट जॉब मांग रहे हैं, तो वो तो गवर्नमेंट अपने ऊपर भी विचार तो कर रही है ना। ऐसे थोड़ा ना आनंद फानंद के अंदर मनमर्जी आई जैसे दे दिया सबको, या जो भी चीज है वो विचार कर रही है, मांग जायज है, मानी जाएगी, नहीं होगी तो उसका निस्तारण किया जाएगा, किस हिसाब से संतुष्ट किया जाएगा पीड़ित परिवार को, इसमें सरकार थोड़ी ना कोई इन्वॉल्व है कि सरकार ने मार दिया। ये बताओ आप, ये एक पुजारी था इसलिए आपकी ये भाषा निकल रही है? पंकज जोशी, पंकज जोशी, मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। दिलीप अग्रवाल मैंने कई बार देखा है, हर मर्तबा देखा है मैंने, एक विशेष समुदाय से अगर कोई घटना घट जाती है तो आप 50 लाख नहीं 50 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप दिलीप अग्रवाल? मैंने इसी भारत में रहकर तमाम सारे घटनाक्रमों को देखा है, गजब बात करते हैं। पंकज जोशी ये एक पुजारी था इसलिए ये हो रहा है, नाना प्रकार की सुविधा मांगी जा रही है, 50 लाख मांगे जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुनिए ना, अरे सुन जाइए दिलीप जी सुन जाइए। नहीं दिलीप जी तो सुन ही रहे, राहुल गांधी ने क्या मांगा था आपने, आप बता दीजिए। चलिए कांग्रेस की याद दिलाता हूँ, क्या क्या चीज मांगी आपने दिलीप अग्रवाल, और किन लोगों के लिए मांगी? पंकज जोशी को सुन लो थोड़ा। मैं कह रहा हूँ बटाला में हाउस में क्या चीज मांगी आपने, आपने बाड़मेर में एक जो है जो राजस्थान में जो घटना घटी 2009 के अंदर, उसमें क्या मांगा आपने साहब, क्या दिया और आपने क्या कहा? उसके बाद आ जाइए आप, मैं आपको एक एक करके घटना, पालघर में यदि घटना घटती है आपने क्या किया भाई? लेकिन यदि दूसरी जगह घटना घट जाती है तो आपको बड़ी जल्दी चिंता हो जाती है। वोट बैंक की राजनीति पंकज, वोट बैंक की राजनीति, जहां जहां लगा राजनेताओं को, जहां जहां राजनेताओं को लगा कि यहां से सियासी लाभ मिलेगा, वहां वहां राजनेताओं ने मूवमेंट करने शुरू कर दिए। पालघर में क्या मिलता? बोले अरे अपनी ही सरकारें बदनामी हो जाएगी, दबाओ मामले को। राजस्थान में पुजारी की हत्याकांड से क्या मतलब है सरकार को? बोले ठीक है हो गई घटना, बाकी जाए सब लोग बिलाप करें, हम तो बैठक कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं। जो व्यक्ति 5 दिन से पुलिस के चक्कर काट रहा था उसके बाद भी न्याय नहीं मिला उसको, दिलीप अग्रवाल जी, भाई इस तरह की उम्मीद तो शायद नहीं थी आपसे, आपकी सरकार से। नहीं उम्मीद वाली बात, जो आप उम्मीद लेके बैठे हो उस उम्मीद को आप दो तरफा देखिए ना, एक तरफा मत देखिए। आप ये देखिए मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने जिस प्रकार से घटना के ऊपर पूरी जांच के साथ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं और कार्रवाई की जा रही है, आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, ये नहीं है कि आरोपी गिरफ्त से बाहर है। अब पुलिस कानून तो अपने हिसाब से काम कर ही रहा है ना, कानून में कहां कमी आ रही है आप ये बताइए। ये तो आउट की बातें कर रहे हैं कि वो वहां पे ऐसा हो गया, वहां पे वैसा हो गया। अरे राजस्थान की बात राजस्थान में करिए ना, आप बाहर क्यों जा रहे हैं? बिल्कुल 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 दिलीप जी यदि घटना पुजारी के साथ हो जाती है तो उसकी तो जांच कर रहे हैं, और आपके नेता के साथ घटना घट जाती है तो बलिदान हो जाता है, शहीद हो जाता है वो देश के लिए। दिलीप अग्रवाल
इस तरह की घटनाओं में तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेकर और ऐसे मामलों में सख्त से सख्त कार्रवाई के साथ साथ वो सारी अगर व्यवस्थाएं करेंगे तो समाज में संतुलन बना रहेगा। अगर आप इस तरह से हीला हवाली करेंगे और आप ये कहेंगे कि देखिए हम सरकार तो अपने हिसाब से चीज़ें कर रही है, अपने हिसाब से व्यवस्थाएं कर रही है, तो शायद ये बात जनता को भी हजम नहीं होगी। खामियाजा भुगतना पड़ता है राजनेताओं को भी, सरकारों को भी। शायद ये जो घटना हुई इसकी ग्रेविटी को अभी आप नहीं समझ पा रहे, इसकी तासीर को शायद दिलीप अग्रवाल अभी नहीं समझ पा रहे, और जब तक समझेंगे तो फिर वही होगा कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। दिलीप अग्रवाल जी, मैं लगातार पूछ रहा हूं आपसे, ये पीड़ित परिवार को न्याय क्यों नहीं? जिस न्याय का बीड़ा आपने उठाया है, आप हर दलित परिवार के साथ हैं, आप हर एक पीड़ित परिवार के साथ हैं, आप हर एक ब्राह्मण के साथ हैं, हर जगह जब साथ हैं तो यहाँ हाथ क्यों छूट रहा है? नहीं, हाथ कहाँ छूट रहा है, हम तो पूरी तरीके से, हमारी सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले रही है और हमारी सरकार काम करने के लिए भी मतलब कि पूरी तरीके से सख्त आदेश दे रखे हैं, किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं की जा रही। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने जो मांग रखी है, 50 लाख रुपए एक सरकारी नौकरी इन लोगों ने डिमांड रखी है, तो उसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है, मंथन किया जा रहा है, उसकी भी कुछ ना कुछ तो ऐसे तो है नहीं ये, कि हम कोई आंखें मूंद कर बैठे, हमें नहीं पता है, हमें भी सारी चीजों का पता है। आज जब आप चर्चा में आए जुड़े तो उससे पहले शायद आला कमान ने यही बोला होगा कि जब भी चर्चा में टीवी डिबेट में आप बैठो तो सिर्फ इतना बोलना, बोले इतना ही रखना, आपसे कितने भी लाख सवाल पूछे जाएं, सरकार अच्छा काम कर रही है, हम लगातार व्यवस्थाओं को बना रहे हैं, उनकी मांगों पर विचार हो रहा है, इससे अलावा इसके अलावा कुछ नहीं, यही बात है ना? शायद हो सकता है ब्रेक के बाद कुछ और जवाब आप दे दें दिलीप अग्रवाल, उम्मीद करता हूं आपसे, क्योंकि ये उम्मीद तो नहीं थी राजस्थान सरकार से कि इस तरीके का दोहरा चरित्र देखेगा। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत आपका। हम लगातार जिक्र कर रहे हैं राजस्थान में हुई पुजारी हत्याकांड पर जो बवाल हो रहा है, हत्याकांड पर जो संग्राम का दौर जारी है, क्योंकि पीड़ित परिवार ये कह रहा है कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं हम शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। सरकार कह रही है कि हम विचार कर रहे हैं, विपक्ष भी पहुँच चुका है, विपक्ष धरना देना शुरू कर दिया है, और विपक्ष कह रहा है दोहरा रवैया नहीं, जहाँ एक तरफ आप न्याय दिलाने के लिए पैदल चल देते हैं तो यहाँ कम से कम गाड़ी के काफिले के साथ ही आ जाते। दिलीप अग्रवाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ पंकज जोशी लगातार बने हुए हैं। दिलीप अग्रवाल, जो पंकज जोशी भी लगातार सवाल उठा रहे हैं और मैं भी आपसे पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं कि पुलिस बहुत संवेदनशील हो गई है, हमारी पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है, हर तरह की व्यवस्थाएँ हम कर रहे हैं, एक बात बताइए, जब 4 दिन 5 दिन लगातार ये पीड़ित परिवार और पीड़ित पुजारी गुहार लगा रहा था, इन दबंगों की शिकायत कर रहा था, तब आखिर क्यों नहीं आप व्यवस्था में आई
पुलिस आपकी, तब खाकी कहाँ चली गई थी आपकी, इंतजार कर रही थी क्या? नहीं, पुलिस अपने इन्होंने जो शिकायत दी थी पुलिस उसके ऊपर अपना काम कर रही थी। ये तो है नहीं कि तुरंत जाके उसको कुछ वैसा किया जाए, पुलिस भी जांच कर रही थी मामले की। जो चीज है देखो, आप कम से कम ये चीज तो आप देखो ना कि घटना हुई है, घटना के लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। पुजारी जी का वहां पे पुजारी जी के साथ जो घटना हुई उसके लिए हमारी जो कार्रवाई बनती थी हमने पूरी कानून व्यवस्था बनाई है, वहां पे पूरी मुस्तैदी के साथ अपराधी को गिरफ्तार किया है और मुख्यमंत्री महोदय खुद ने भी इस चीज के लिए आदेश दिया है। ये लोग इस चीज को दिलीप अग्रवाल मुझे ये बताइए, इस मामले में क्या ऐसा सियासी लाभ मिल रहा है भाई आपको, जो आपके तेवर आपके सुर इतने बदल गए हैं? मैं बार बार कह रहा हूं हास्यास्पद लग रहे हैं आपके बयान, आपके जवाब जो आप मुझे दे रहे हैं, जो जनता सुन रही है, लोग हंस रहे हैं आपके इन तमाम जवाबों पर। कैसी बातें कर रहे हैं आप कि हम पुलिस हमारी व्यवस्था कर रही थी, हमने आरोपी को तत्काल प्रभाव से पकड़ा। ऐसा तो नहीं कि पुजारी जी ने तहरीर दी और तत्काल प्रभाव से चीजें हो जाती, व्यवस्थाओं में बैठी थी पुलिस? कैसी बचकानी बातें कर रहे हैं पंकज जोशी जी। भाई अगर यही स्थिति होगी तो राजस्थान सरकार के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है उनका मनोबल, उनकी छाती तो चौड़ी हो जाएगी। वो कहेंगे नाना सरकार बिल्कुल मुस्तैदी से हमारे साथ खड़ी हुई है। ऐसे जो पुलिसकर्मी जिन्होंने हीला हवा लिखी, ऐसे पुलिसकर्मी जो इस पूरे घटनाक्रम के जिम्मेदार हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं दिलीप अग्रवाल? नहीं नहीं, मनोबल बढ़ाने का काम नहीं है। जो घटना में घटना के लिए जो जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए गहलोत साहब ने कह दिया है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई बचाव बीच बचाव करें। पंकज जोशी, हमारा जो बनता है उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं और हम काम कर रहे हैं। अपराधों में शामिल क्यों नहीं होगी जब मुख्यमंत्री स्वयं ये बयान दे कि 12 में जो है जो नाबालिग लड़कियां थी वो अपनी मर्जी से गई थी। ये बयान मेरा नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का है। दूसरा, जब यहाँ से पोस्टमार्टम हो गया, आपने बिल्कुल ठीक कहा, देखिए वहां पर कितने लोग के दल गए, कितने लोग थे, उनकी आइडेंटिफाई किस तरीके से हुई। मैं कह रहा हूं कि करौली में जो है एक भी व्यक्ति यदि अनआइडेंटिफाइड है, यदि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति अनआइडेंटिफाइड है या असामाजिक तत्व है, तो मुझे बताइए कि वहां साहब ये असामाजिक तत्व लोग खड़े हुए हैं। और पीड़ित परिवार केवल जो है आईएएस की नौकरी तो नहीं मांग रहा, एमएलए का टिकट तो नहीं मांग रहा, एमपी का टिकट तो नहीं मांग रहा, वहां तो सब देने को तैयार होते हैं आप। और जब यहाँ पर एक वो जो अपनी मांग मांग रहा है, वो भी इतना गरीब आदमी है जो बिल्कुल जो है बिल्कुल निशाय है, केवल पूजा के बेस पे चल रहा है, वहां पर आप कहने की साहब ये मांगे मानी नहीं जा सकती? दिलीप अग्रवाल, पंकज जी अभी भी इनको बोलो आप, ये गलत ऐसा नहीं बोले, हम यही कह रहे हैं कि इनकी मांगों के ऊपर विचार किया जा रहा है। मांगे मानने वाली होंगी, मांगे माननी भी जाती है, माननी भी जाएंगी। क्या ये लोग क्या तुरंत मान लेते हैं? विधानसभा बुलाने के लिए डिमांड करते हैं ये लोग, तैयार हो जाते हैं? और यहाँ पर विचार करने के लिए आपको जो है कितना टाइम चाहिए? दिलीप अग्रवाल, एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, सुनिए। पीड़ित घटना हुई हाथरस के अंदर, पीड़ित परिवार ने जो जो व्यवस्थाएं रखी, जो जो मांगे रखी, उस पीड़ित परिवार तक मेरी भी संवेदनाएं हैं, मैं भी उनकी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन उन्होंने तत्काल प्रभाव से जो बातें कहीं उस पर अमल हुआ। उन्होंने चाहे कड़ी कार्रवाई की बात कही हो, आरोपी गिरफ्तार होकर जेल गए, उन्होंने कहा हो कि इस मामले की घटनाक्रम की सीबीआई से जाँच कराइए, पहले एसआईटी से जाँच कराइए, वो तमाम सारी व्यवस्थाएँ हुई। लेकिन दिलीप अग्रवाल, अगर यहाँ पीड़ित परिवार ये कहता है कि चंद पैसे और जमीन का टुकड़ा चाहिए जिससे परिवार के बच्चों का भरण पोषण हो सके, परिवार का मुखिया गया है तो उसकी कमी पूरी हो सके, आप कह रहे हैं विचार होगा? आपने वो वीडियो भी देखा था जो डीएम फटकार लगा रहा था, डीएम भी बोल रहा था, वो वीडियो भी आपके चैनल पे ही देखा था मैंने दिखाया जहां जहां जो जो चीजें हुई मैंने दिखाया। वो चीजें भी देखा ना आपने कि प्रशासन खुद जाके मैंने दिखाया, मैंने देखा भी। दिलीप अग्रवाल, मैं इस बात को ही कह रहा हूं, कम से कम उस घटना से ही सबक ले लेते आप, हाथरस की घटना से ही सबक ले लेते। कर ऐसी कोई जघन्य घटना आएगी सामने तो हम तत्काल प्रभाव से उसमें अमल करेंगे, कार्रवाई करेंगे, ताकि विपक्ष को मौका ना मिले। सर कार्रवाई कर ही रहे हैं, कार्रवाई ये बताओ कार्रवाई नहीं करने के लिए हमने कहा नहीं, आपको दिख भी रहा है हमने कार्रवाई की भी है, गिरफ्तारी भी हुई है। जिस प्रकार से मांगे रखी गई हैं, मांगों का मेन मान है, मांगों का जो मांग है वो विचार विमर्श हो रहा है, उसकी भी देख रहे हैं। ये तो हम मना तो कर नहीं रहे कि बिल्कुल ही उनकी मांगों के ऊपर अमल नहीं होगा, उनकी मांगों के ऊपर भी विचार विमर्श चल रहा है, लेकिन ये आप इस
हाथरस की घटना को फिर इसके साथ इन्वॉल्व कर रहे हैं तो बिल्कुल सरासर गलत है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पीड़ित परिवार ने जो मांग की थी, देश भर ने आवाज उठाई और उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा था, वो तमाम व्यवस्थाएं करनी पड़ी थी सरकार को। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे, सबक ले लेते आप। व्यवस्थाएं हम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पीड़ित परिवार के साथ कितना इंतजार चाहिए? पीड़ित परिवार के साथ हम पूरी तरीके से तैयार खड़े हैं हर चीज के लिए। कितना इंतजार करना पड़ेगा पीड़ित परिवार को? शव को कब तक रखकर ये मातम मनाना पड़ेगा ये बताइए। देखो चल रहा है विचार विमर्श, हो जाता है विचार विमर्श, होने के बाद में इनका जो डिसीजन है वो हम दे देंगे। हमारी सरकार पूरी तरीके से डिसीजन देने के लिए तैयार है, डिसीजन दे देगी। विचार विमर्श हो जाता है उसके ऊपर, हम मना तो कर नहीं रहे उस चीज के लिए। पंकज जोशी भाई, मांग जो मांग जो मांग की गई है पीड़ित परिवार की ओर से वो जायज नहीं है। बात करेंगे इसको। नहीं हम तो ये नहीं बोल रहे, जायज नहीं है। विचार चल रहा है, किससे विचार करना है? गृहमंत्री खुद है, मुख्यमंत्री खुद है, वो किससे विचार करना है? यदि गृहमंत्री वो नहीं होते, दिलीप अग्रवाल नहीं होते तो बता दीजिए। जोशी जी रुकिए थोड़ा। दिलीप अग्रवाल अभी कह रहे थे कि नहीं, हम ये तो नहीं कह रहे कि मांग जो है नाजायज है। दिलीप अग्रवाल, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ कान ही रहे हो जी। आप एक तरफ ये भी कहते हो कि उन मांगों पर विचार चल रहा है, जो भी व्यवस्थाएं होंगी की जाएंगी, दूसरी तरफ ये भी कहते हो ना 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 हम ये नहीं कह रहे कि नाजायज नहीं है इनकी मांगे। अरे जायज है भैया, तो अमल क्यों नहीं, तत्काल प्रभाव से कार्रवाई क्यों नहीं, किसका इंतजार हो रहा है? दिलीप अग्रवाल जी, किसका इंतजार हो रहा है? नहीं, इंतजार क्या है, विचार विमर्श चल रहा है, विचार विमर्श हो रहा है। उनकी मांगे जो है वो जिस प्रकार से इन लोगों ने राजनीतिक रूप दिया है ना, ये बिल्कुल गलत है। राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए था, जो आदमी यही रवैया होना चाहिए दिलीप अग्रवाल, यही रवैया होना चाहिए हर एक पार्टी का। आज जो सुर आपके हैं, आज जो आपके स्वर है, आप जो कह रहे हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए ऐसे मामलों में, राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, यही बीजेपी वालों का भी था अभी चार दिन पहले। लेकिन तब आपकी पार्टी ये कह रही थी ना 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 हम राजनीति थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम तो संवेदनाओं को प्रकट करने जा रहे हैं, पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं। तो वहाँ तो पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करने ही नहीं दिया गया, वहाँ तो लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई गई हैं। इसके बाद के अंदर हम थोड़े ना कोई लाठियां बरसा रहे, हम तो यही कह रहे हैं जो भी जाए पीड़ित परिवार के पास अपनी संवेदनाएं दे रहा है, वो कम से कम उनको अपने साथ रखो। उम्मीद करते हैं दिलीप अग्रवाल, ये उम्मीद करते हैं, ठीक है दिलीप अग्रवाल, इस तरह की नौबत ना आए, ये व्यवस्थाएं रखिए कि लाठी भांजनी पड़े आपको, माहौल ऐसा बिगड़े नहीं। हमारी सरकार ऐसा कभी नहीं चाहती और हमारी सरकार ऐसा करेगी भी नहीं। वहाँ पे जो चीज है पंकज जोशी, कानून ऐसी कौन सी सरकार है भाई जो ये चाहती होगी कि अव्यवस्थाओं का आलम्ब हो? बहुत संक्षेप में आपके सामने है, आपके सामने सरकार नहीं चाहती है, लेकिन सरकार की एक चीज मुझे बताइए, इनका विचार विमर्श करना है या माननीय राहुल गांधी जी से पूछना है या माननीय सोनिया जी से पूछना है या प्रियंका जी से पूछना है? खैर जिससे पूछना है पूछे दिलीप अग्रवाल, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा अंत में कि आप जल्द से जल्द इस मामले की तासीर को समझिए दिलीप अग्रवाल, और पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द न्याय दीजिए। उनकी जो मांगे हैं तत्काल प्रभाव से उन मांगों पर अमल करके, ये नहीं कि जो सारी चीजें हो गई वो सब कुछ ठीक, अमल करके जल्द से जल्द वो काम करिए जो एक बाकी राज्यों के लिए नजीर हो, जो बाकी राज्यों के लिए कड़ा संदेश हो, वो काम करिए। बहुत शुक्रिया आप चर्चा में जुड़े, बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष में इतना ही, नमस्कार।